जहां एक तरफ कोरोना इंसानी जिंदगियों को लील रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता का लोभ संवेदनाओं की हत्या कर रही है। इस वीडियो में हम ऐसे तथ्य आपको बताएंगे जिसके आधार पर यह साबित हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने असंवेदनशीलता की तमाम हदों को पार कर दिया है। इनकी असंवेदनशीलता को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि देश पड़े चूल्हे में, राष्ट्र जाए भाड़ में, खेलते शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में। 12 अप्रैल 2021 से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक एक हफ्ते के इस अवधि में कोरोना के कुल मामले हमारे देश में आए 15,34,088 और कोरोना के कारण कुल मौतें हुई 8,590। एक हफ्ते के इस अवधि में खास बात यह रही कि कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भी आए और कोरोना के कारण एक दिन में सबसे ज्यादा अधिक मौतें भी हुई। हालात ऐसे हो गए कि सोशल मीडिया पर तैरने वाला हर दूसरा तीसरा पोस्ट कोरोना से जुड़ा हुआ था और इन पोस्ट में मौत की भयावहता थी। दहशत था अस्पताल ना मिलने का, डर था बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, टीका, दवाइयां आदि ना मिलने की। केवल आम लोग नहीं बल्कि खास लोग भी बेबस दिखे, लाचार दिखे। कुमार विश्वास से लेकर एक रिटायर्ड जज तक बहुत अधिक बेबस और लाचार दिखे। लेकिन इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के दुखों को अपना समझा, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के दुखों का निवारण करने की कोशिश की। लेकिन जब शमशान घाटों में जगह कम पड़ने लगी तब हमारे प्रधान सेवक क्या कर रहे थे और हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे, ये जानने के लिए हमने उनके ट्विटर का विश्लेषण किया। हमने पाया कि 12 अप्रैल से लेकर आज 19 अप्रैल तक जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुल 60 ट्वीट हुए थे और इन 60 ट्वीट में से केवल 4 ट्वीट कोरोना से जुड़े हुए थे। इन 4 ट्वीट में से भी एक ट्वीट राज्यपालों के साथ उनकी बातचीत, एक ट्वीट वाराणसी के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत, एक ट्वीट कोरोना को फाइट करने के लिए जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने को लेकर थी और एक ट्वीट था कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाने को लेकर। इसके अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पूरी तरीके से बंगाल के चुनावी माहौल से भरा हुआ था। उनकी अपनी चुनावी रैलियों की क्लिप खूब शेयर की गई थी और इसके अलावा त्योहारों की बधाइयां भी प्रधानमंत्री मोदी ने खूब दी अपने ट्विटर अकाउंट से। अगर संवेदनशीलता होती तो उस माहौल में जब लोग जान जाने की भयावहता के दौर में जी रहे हैं, प्रधानमंत्री इस भयावहता से बच निकलने के उपायों की चर्चा करते, उन रास्तों का जिक्र करते जिन रास्तों पर चलकर कोरोना के इस अंधकार से बाहर रोशनी की तरफ ये देश आ सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट का भी विश्लेषण किया। हमने ये पाया कि 12 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल तक जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुल 85 ट्वीट हुए लगभग, और इन 85 ट्वीट में से केवल 2 ट्वीट में कोरोना का जिक्र था। इसके अलावा 90% से अधिक ट्वीट बंगाल के चुनावों को समर्पित था। हाँ, अमित शाह ने 2-3 कोरोना से संबंधित नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट जरूर किया था, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते लोगों के डर, लोगों के खौफ और लोगों के दुखों को वो एड्रेस करते अपने ट्विटर पर ऐसा नहीं दिखा। पिछले एक साल में सरकार ने जमीन पर क्या काम किया ये हम सब देख रहे हैं। अगर जमीन पर काम किया होता तो आज यूं अस्पतालों, बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, दवाइयों और टीकों की कमी नहीं। और रही बात संवेदनाओं की, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ट्विटर अकाउंट विश्लेषण से ये पता पड़ता है कि हमारी सरकार ने संवेदनाओं को भी कहीं गहरे गाड़ दिया है, दफन कर दिया है।